बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईसेट एकेडमी सेल एंड सर्विस के फ्लोर से मैं हूँ हुनैन अमान, और आज मैं आपको बताऊँगा कि कंप्यूटर सिस्टम के जो बीप्स का एरर होता है वो किस वजह से होता है और क्यों होता है, और कितनी बीप्स आए तो कौन सा एरर होता है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अभी मैं इसको सिस्टम को पावर देता हूँ, तो देखते हैं क्या आ रही होती है। सिस्टम ऑन हो गया और देखिए बीप आनी शुरू हो गई सिस्टम में। ताकि देखिए रैम भी लगी हुई है और सेल भी लगा हुआ है। तो ज़्यादातर ये बीप सेलर आते हैं जब आपका रैम का इशू होता है या सेल का इशू होता है। चलिए इसकी रैम अभी मूव करके चेक करते हैं क्या मसला है। सबसे पहले हम इसकी पावर निकाल देंगे, उसके बाद रैम को बाहर निकालेंगे। रैम को बाहर निकालने के बाद जब इसको साफ़ कर लेंगे अच्छे से, साफ करने के बाद दोबारा से रैम को एडजस्ट करेंगे। जब तक आवाज़ नहीं आएगी तब तक रैम आपकी एडजस्ट नहीं होगी। रैम लगाने के बाद दोबारा पावर देंगे इसको। ये देखिए सिस्टम ऑन हो गया। ये रैम एरर था जिसकी वजह से ये बीप दे रहा था। 3 बीप्स में ये रैम एरर होता है। ठीक हो गया जी। ये देखिए जी चल गया सिस्टम।